नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी ज़रूरी जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम बड़े ही खास विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि स्टेम सेल क्या होता है, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ये किडनी को कैसे ठीक रख सकता है। आज का हमारा विषय बहुत खास है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, वो भी बिना स्किप किए हुए। स्टेम सेल क्या है, ये कैसे काम करता है और ये कितने प्रकार का होता है, आज हम इन सभी के बारे में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं स्टेम क्या है। आपको साधारण भाषा में समझाने के लिए स्टेम सेल क्या है, स्टेम सेल को थेरेपी कहें तो ये गलत नहीं होगा। इसका प्रयोग बॉडी की उन सभी कोशिकाओं को वापस से एक्टिव करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो आपकी बॉडी में किसी परेशानी की वजह से डैमेज हो गई होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके हृदय की कोशिकाएं खराब हो गई हैं, तो इनकी मरम्मत स्टेम सेल द्वारा की जा सकती है। इसी प्रकार यदि आंख की कॉर्निया की कोशिकाएं खराब हो जाएं, तो उन्हें भी स्टेम सेल के द्वारा विकसित किया जा सकता है। मेडिकल साइंस का दावा है कि डिमेंशिया, ऑटिज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और सेरेब्रल पॉल्सी जैसी बीमारियों का इलाज अब स्टेम सेल थेरेपी से संभव है, क्योंकि इससे बॉडी के उन सभी सेल्स को वापस से एक्टिव किया जाता है जो डैमेज हो चुकी होती हैं। आपको बता दें कि ये प्रक्रिया काफ़ी महंगी होती है। चलिए, ये तो जान लिया आपने कि स्टेम सेल क्या होता है, अब जानते हैं ये कितने प्रकार का होता है। भारत में दो प्रकार के स्टेम सेल होते हैं। पहला, जो स्वस्थ इंसान के बोन मैरो से ब्लड लिया जाता है और उसके ब्लड से स्टेम सेल बनाया जाता है, और जहाँ भी स्टेम सेल की ज़रूरत होती है वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। ये प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग होता है और ये डॉक्टर की देख रेख में किया जाता है। दूसरा, स्टेम सेल पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सामान्यतः स्टेम सेल दो प्रकार के होते हैं। अब जानते हैं ये काम कैसे करता है। जब आप स्टेम सेल लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर घुल जाता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में 70% पानी होता है। इससे ये बॉडी में घुलकर अपना काम करने लगता है। इससे आपकी बॉडी के डैमेज सेल धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं और इस स्टेम से आपकी परेशानी दूर होने लगती है। अगर बात किडनी की करें तो किडनी के मरीजों को तो पानी का सेवन सीमित मात्रा में करना होता है। तो वो क्या करें, किडनी में खराबी होने के बाद किडनी धीरे धीरे डैमेज होती जाती है, क्योंकि किडनी के मरीजों को पानी पीना भी सीमित कर दिया जाता है। जिनका डायलिसिस चल रहा होता है उनकी बॉडी में तो वैसे ही डायलिसिस के दौरान पूरा पानी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इससे किडनी में सही प्रकार से पानी और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और किडनी के सेल्स धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं। इसके बाद आपको बॉडी में थकान और कमजोरी आ जाती है। आपकी इस समस्या के समाधान के रूप में स्टेम सेल एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है। स्टेम सेल में ऑक्सीजन होता है और जैसे ही आपकी बॉडी में ये जाता है तो इससे आपकी किडनी को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगता है। इससे आपकी किडनी के डैमेज सेल्स धीरे धीरे काम करने लगते हैं। तो इस प्रकार आपकी किडनी के लिए स्टेम सेल लाभदायक हो सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसको डॉक्टर की देखरेख में करना चाहिए, तो हमारा सुझाव है कि किडनी के मरीज इसको अपने जीवन में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। तो ये हैं स्टेम सेल किडनी के लिए कुछ फ़ायदे, लेकिन ध्यान रहे, किडनी के मरीज इसको अपने जीवन में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सुझाव ज़रूर ले लें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊँगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।